आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। झारखंड राज्य के गुमला में फिर एक नाबालिग पांचवीं कक्षा की छात्रा की अस्मत को तार तार किया गया। पांच बहसी दरिंदों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के हराडीपा गांव में घटना घटी है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर शर्मसार करने की घटना को दरिंदों ने अंजाम दिया है। पांचवी कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप, पांच युवकों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना शनिवार देर रात्रि की है। बहसी दरिंदों ने पहले नाबालिग का अपहरण रात भर युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात के 1 बजे सभी आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। वहीं घटनाक्रम में परिवार और ग्रामीण ने दो युवकों में से दो आरोपी दरिंदों के पैर, हाथ व जांघ को काट डाला, जिसके बाद दोनों आरोपियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है। वहीं दोनों समुदाय में फिलहाल तनाव की स्थिति बरकरार है। वहीं पंचायत बैठाने की सूचना पर दुष्कर्म के पांच आरोपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की, घर को जलाकर राख कर देने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि यदि पुलिस के पास गई या केस किया तो पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे, जिससे पीड़ित परिजनों ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। और जब इस बात की भनक चैनपुर थाने को हुई तो दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को रात के 1 बजे गिरफ्तार कर लिया। वहीं चैनपुर प्रमुख गांव जाकर सभी लोगों को समझाया बुझाया और खूनी संघर्ष से भी बचाया। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। ये चैनपुर प्रखंड के हराडीपा गांव है और एक नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और ये दुष्कर्म उस बच्ची के साथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हुआ है, सामूहिक हुआ है। अभी इस गांव में तनाव की स्थिति है, गांव के लोग डरे हुए हैं। रात भर महिलाएं, सखी मंडल की महिलाएं उस परिवार को सुरक्षा दिए हैं, पहरा दे रही थीं। अभी हम लोग और मैं इस गांव में आया हुआ हूं, स्थिति को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, लोगों को, यहां के लोगों को, गांव के लोगों को समझा रहा हूं। मेरा मन को थक गया है। और क्या किया? लड़का था। कितना वो लड़का लोग था? लड़का लोग चार, पांच थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरा दिन मीटिंग बैठेंगे बोल के घर आके धमकी दे रहे थे। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मारपीट भी किए हैं आप लोग? मारपीट हम लोग शाम को किए हैं। आपको कौन मारा है? हमको इलियास। लड़की आपकी बहन है? मेरा बहन है। आपका क्या नाम है? तुलसी चीख लड़ाई। क्या नाम है? तुलसी चीख लड़ाई। कई गो लड़का था? तो संध्या में करीब 7 बजे से 10 बजे के बीच में हराडीपा गांव है, वहां पे एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 5 लड़के उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद वो लड़की घर चली जाती है, सुबह में माँ बाप को जानकारी देती है, लेकिन माँ बाप के द्वारा किसी को बताया नहीं जाता है। उसके माता पिता के द्वारा वो गांव में चर्चा किया जाता है इस पर। उसके बाद जो घटना में शामिल जो अपराधी लोग हैं उनमें तनाव हो जाता है, फिर इनके घर पे भी आते हैं, विवाद बढ़ाते हैं। फिर संध्या में, यहां तक भी पुलिस को जानकारी नहीं है, संध्या के समय में करीब 8-8:30 बजे ये दोनों घटना को लेकर के आक्रोश में पीड़ित पक्ष के एक चाचा हैं, वो लड़की का चाचा, उनके द्वारा वो दो अभियुक्त हैं उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो 8-8:30 बजे के आसपास वो घटना होती है। उसके बाद हम लोग को 9:30 बजे के बाद घटना की जानकारी मिलती है। तो जैसे जानकारी हम लोग को मिली तो हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए